ये दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 की तिथि की घोषणा और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत तर्क संगत तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसलिए आप मेरी प्रत्येक बात को ध्यान पूर्वक उतनी गहराई से सुनिएगा जितनी की अंबर की ऊंचाई हुआ करती है, ताकि इस परीक्षा से संबंधित मेरे द्वारा बताया जाने वाला कोई भी पहलू आपसे मिस न हो। तो आइए कुछ विशिष्ट बिंदुओं के माध्यम से इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझते हैं। नंबर एक, परीक्षा तिथि की सटीकता और समयबद्धता। वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तिथि की घोषणा अधिकारियों द्वारा बड़ी सटीकता और समयबद्धता के साथ की जाएगी। इस बार तिथि की घोषणा के लिए विशेष रूप से आधिकारिक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को सही समय पर जानकारी मिल सके और वे अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर सके। नंबर दो, डिजिटल माध्यम का उपयोग। इस बार पुनः परीक्षा की तिथि की घोषणा के लिए डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाने वाला है। आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी तिथि की जानकारी दे दी जाएगी। इससे सूचना का प्रसार तेजी से होगा और उम्मीदवारों को समय पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नंबर तीन, पारदर्शिता और विश्वसनीयता। पुनः परीक्षा की तिथि की घोषणा में पारदर्शिता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन में तिथि, समय और परीक्षा केंद्रों की जानकारी विस्तार से दे दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अफवाह से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। नंबर चार, तैयारी के लिए पर्याप्त समय। 2024 की पुनः परीक्षा की तिथि को इस बार इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तिथि की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को अपने अध्ययन और पुनरावृत्त के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे वे परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। नंबर पांच, परीक्षा केंद्र और स्थान की स्पष्टता। पुनः परीक्षा की तिथि की घोषणा के साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों और स्थान की जानकारी भी स्पष्ट रूप से दे दी जाएगी। इससे उम्मीदवारों को अपने केंद्र की जानकारी समय पर मिल जाती है और वे अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। परीक्षा केंद्रों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम यात्रा करनी पड़े। नंबर छह, COVID-19 सुरक्षा उपाय। वर्ष 2024 में COVID-19 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के दौरान विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन जैसे उपाय अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होंगे। तिथि की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों को इन सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। नंबर सात, हेल्पलाइन और सहायता। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदवारों की सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी किए जाएंगे, जिससे कि भी किसी भी प्रकार की समस्या या संदेह की स्थिति में उम्मीदवार इन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाने वाला है कि सभी उम्मीदवारों को उचित सहायता और मार्गदर्शन मिले। तो दोस्तों, ये थे वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पुनः परीक्षा की तिथि की घोषणा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिनके माध्यम से भर्ती बोर्ड ने महज एक इशारा किया है अभी तक री एग्जाम को लेकर, जबकि बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनः परीक्षा की तिथि को सटीकता से बताया जा सके। हाँ, इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि आगामी जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के आरंभिक सप्ताह में एग्जाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोस्तों, इतना सब बताने के पश्चात मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।